महाराष्ट्र की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां भारी बारिश जारी है। बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है और लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। वहीं मुंबई के वसई में लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में बारिश की तबाही की ये 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। अंधेरी में बारिश के बाद सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुंबई के चेंबूर में भी मूसलाधार बारिश जारी है। सड़क पर जल भराव से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। निचले इलाके हैं, अमरावती जो महाराष्ट्र का एक अहम जिला है, वहां से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आई। भारी बारिश के बाद हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। नासिक, बारिश की भयावह तस्वीरें यहां से सामने आई। कल भी हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई और कभी न रुकने वाली मुंबई बारिश से रुकती हुई नजर आ रही है। और इस खबर पर मुंबई से मेरे सहयोगी सौरभ पांडे और नासिक से मेरे सहयोगी अश्विनी पांडे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुंबई से मेरे सहयोगी सौरभ पांडे का रुख करेंगे। सौरभ, आज हम अगर देखें और कल, आज क्या कल शाम से ही देखें, तो मुंबई की जो बारिश है वो डरा रही है। जरा बताएं सूरत हाल, किन किन इलाकों में ज्यादा मुसीबतें बढ़ी हैं? जी, आपको बता दें मुंबई के मॉनसून में शुरुआत होते ही जो है सबसे ज्यादा जो है जल जमाव जो है वो रेलवे ट्रैक और रोड पर दिखता है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया जो होता है वो सायन का होता है, दादर का होता है, हिंद माता का इलाका होता है और अंधेरी का इलाका होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरेगांव मलाड लिंक रोड पर और आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है बरसात के चलते यहाँ पर जो है ट्रैफिक जो है वो धीमी हो गई है और लोग जो है धीरे धीरे जाने के लिए मजबूर है। इसके अलावा आपको बता दें ये जो बरसात का जो अलर्ट है वो अगले 2 से 3 दिनों के लिए जो है सरकार की तरफ से दिया गया है और सरकार की तरफ से और जितने भी स्थानीय प्रशासन है वो जो है वॉर फ्रंट पर खड़े हैं ताकि किसी भी तरह की जो दुर्घटना है वो ना हो सके और अगर कुछ होती भी है तो वहां पर जो है जल्द से जल्द जो है रिलीफ का जो तैयार काम है वो पूरी तरह से कर दिया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि मुंबई के जितने भी बीचेस हैं वहां पर जो है काफी तरह से जो है बैरिकेटिंग कर दी गई है, सिक्योरिटी वहां पर टाइट करके रखी गई है ताकि लोग जो है समंदर के किनारे तक ना जा पाए, क्योंकि यदि कुछ उनको नुकसान होता है वो ना सिर्फ उनका नुकसान होता है बल्कि उनके अपनों का नुकसान होता है। अगर बात करें बीचेस की तो बीचेस पर जो है फायर ब्रिगेड की टीम है, मुंबई पुलिस की टीम है, फिर उसके बाद जो वहां पर लाइफगार्ड्स हैं वो हैं, बीएमसी की टीम है और कई वॉलंटियर्स जो है वो वहां पर मौजूद हैं ताकि लोग जो है वो एक समुद्र किनारे जो तट है वहां तक ना जा सके ताकि उन्हें किसी भी तरह का नुकसान ना हो सके। इसके अलावा जो है बात करें बीएमसी जो है, बीएमसी भी वॉर फ्रंट पर तैयारी में है और हर जगह जाकर जो है इंस्पेक्शन कर रही है। जहां जहां जो है वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही है वहां पर जो है जनरेटर बिठाए लगाए हुए हैं, वहां पर जो है उनको जो है वाटर लॉगिंग से खाली करने की तैयारी में जुट जाती है। हालांकि अभी मुंबई में जो है दोपहर से जो है बरसात जो है रुक रुक के हो रही है, इसलिए सड़क पर ज्यादा जल जमाव जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। कोशिशें जारी हैं।